सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 के तरफ। ठीक है ना, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, एंगल को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में देखी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है, ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, क्या उसके ऊपर होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना भाई, राइट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो जो हमारा आज का बेसिक लेक्चर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर होने वाला है। तो फंक्शन मतलब क्या है ना, फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन भी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, किस टाइप के उसके रिलेशंस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैसे कहेंगे हम फंक्शन क्या होता है कि मान लो बेसिकली फंक्शन इज बेसिकली अ रूल। ठीक है, फंक्शन इज बेसिकली अ रूल कि जैसे अगर हमने यहाँ पे सपोज भी हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हमने एक्स स्क्वायर लिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू f को दोगे, है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू जो है f को देंगे, f को दोगे, तो f आपको क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना। जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पे x is equals to 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपको f of 1 जो है वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सपोज x is equals to अगर हमने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपको f of 2 is equals to कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, फंक्शन इज बेसिकली अ रूल, ठीक है, इन विच यू गिव द सम इनपुट, और जो यू गिव द सम इनपुट और कुछ इनपुट देने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले, इसको और ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हमारे मुख्य विषय की तरफ, हमारे मुख्य टॉपिक की तरफ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या कि जो हमारे पास साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टैन फंक्शन है, ठीक है, इस प्रकार के जो एंगल है उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स। तो ये जितने भी फंक्शंस है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देन क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, एंड देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी हमारे फंक्शंस है इन सारे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो आज का जो हमारा लेक्चर होना है ना, बहुत बेसिक बेसिक बातों पर और बहुत सिंपल सिंपल तरीके से इन लेक्चर को हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि इसमें, ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें, अरे ये फंक्शंस है ना, अगर हमारे ये क्या है, फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पे, क्वाड्रेंट एंगल्स पे कितनी वैल्यूज होगी वो आज हम देखने वाले हैं। अब इनकी साइंस देखने वाले हैं कि किस क्वाड्रेंट में जो है किस फंक्शन का क्या साइन होगा, साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे कि डोमेन एंड रेंज, इन फंक्शंस का जो है हम लोग क्या देखेंगे, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आई विल स्टार्ट विथ, ठीक है, तो क्या आपको पता है, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपको पता है कि अगर मैंने इस तरीके से कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसको अगर मैंने नाम दे दिया AOB, ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया AOB, तो भैया ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और यहां पर अगर मैं बोल दूं कि ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है, यहां पर अगर मैं बोल दूं कि ये कोई एंगल है थीटा, तो इसमें से, ठीक है, इसमें से ये क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर साइड है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, क्या है आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ साइन क्या होता है, ठीक है, भैया बताओ क्या साइन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन एक्स यूज किया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कि यहाँ पे ये जो एंगल एक्स है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया साइन एक्स क्या होता है, तो आप कैसे बोलेंगे, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ए बी है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ओ बी है ना। इसी को और अदर लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना, इसको आप अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और
क्या बोलते हैं बेस, एडजेसेंट साइड और बेस, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ कि cos x इज इक्वल टू क्या होता है ना, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, तो बहुत आप आसानी से बोल देंगे कि सर cos x इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। cos x इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, और क्या बोलेंगे आप, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो ये जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें है ना, तो cos x आप कैसे बताएंगे, cos x क्या होता है, इट इज एडजेसेंट साइड और बेस, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट किए, बेस क्या है हमारा, ओ है, बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ओ बी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टेन एक्स क्या होता है, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड, दैट इज ए बी बाय, सॉरी अपोजिट साइड बाय बेस, ठीक है, अपोजिट साइड बाय बेस। तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पे ओ है। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि कॉट एक्स क्या होता है भैया, कॉस एक्स क्या होता है, साइन सेक एक्स क्या होता है, तो आप बहुत इजीली बता दोगे। ये हमारा बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हम सबको पता है, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाहता हूं उस पर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई यूनिट सर्कल ले रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, मैं कोई यहाँ पे यूनिट सर्कल जो है ड्रॉ करता हूँ, तो भैया यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो सेंटर, जिसका सेंटर जो ओरिजिन हो, है ना। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन हो और रेडियस जो है कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर देते, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहां से क्या किया, वन रेडियस ले रखा है, ठीक है, दिस इज वन, ठीक है, दिस इज वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना लिया है हमने भैया, यूनिट लिया हुआ है, वन लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो है, ठीक है, ये आपका होता है ओरिजिन, जीरो जीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है, और यहाँ पे हमने रेडियस बोला हुआ है वन, ठीक है, रेडियस बोला हुआ है, तो वन ये आपका जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है, ये रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस कितना है हमारा, वन है, कितना है हमारा, वन है, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर रेडियस वन है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वन जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, माइनस वन जीरो, कितना हो जाएगा, माइनस वन जीरो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो माइनस वन। सबको ये, हम सबको ये बातें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो निगेटिव होती है, यहाँ पे भी जो वैल्यूज होती है वो निगेटिव होती है, और यहाँ पे भी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे क्या किया, एक यूनिट सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया। तो यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का आइडिया भी क्लियर हो गया। यूनिट सर्कल क्या होता है, इट इज अ सर्कल विच इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन, उसका सेंटर जो क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस हमारा कितना है, वन है, ठीक है। तो मान लो क्या, मान लो कि अगर मैं यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई आर्क कंसीडर कर रहा हूं सर्कल का, ठीक है, अगर मैं यहां पे ये आर्क कंसीडर कर रहा हूं सर्कल का, और इसको मैं यहां पे कुछ नाम दे दूं, ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे कुछ नाम दे दूं कि भैया मैंने बोल दिया ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा जो है वो बी है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा जो है बी है, ठीक है ना। तो अगर, ठीक है, अगर इस पॉइंट बी को मैं यहां पे ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बी, इसको अगर मैं यहां पे ओरिजिन से कनेक्ट कर दूं, ओरिजिन से जोड़ दूं, तो यहां पे क्या बनेगा हमारा, एक थीटा बनेगा, एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अगर सपोज ये हमारा जो आर्क लेंथ है, ठीक है, ये अगर हमारा आर्क लेंथ अगर हमारा एक्स है, ठीक है, ये जो आर्क लेंथ आपको दिख रही है वो हमारा अगर एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कॉन्सेप्ट। रेडियन कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर कोई आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियन बनेगा। तो एक्स क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रेडियन हो गया। क्या हो गया भैया, रेडियन हो गया, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ए बी है ना। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, मेरे ए बी है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ए बी है और मैं यहां से बी से जो है ना नीचे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहां से नीचे जो है एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, यहां से अगर मैंने यहां पे नीचे एक्स एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर का, इस पॉइंट का जो है
वो क्या कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भैया, a कॉमा जीरो, क्या हो जाएगा मेरा a कॉमा जीरो, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a कॉमा जीरो। देन ये जो OB आपको दिख रहा है, ये जो OB आपको दिख रहा है वो क्या है, रेडियस है ना, ये जो OB है वो क्या है, रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। और रेडियस सर्कल, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमने कितना ले रखा है, यूनिट सर्कल है, तो इसका रेडियस कितना होगा, वन होगा। सो अगर OB जो है हमारा रेडियस है तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, इसका भी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर ये जो मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला है टू द एक्स एक्सिस, ये क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है, बी है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, कि मान लो ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे सी नाम दे दिया, है ना, ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे सी नाम दे दिया, ठीक है, कैपिटल सी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ये जो सी बी है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो सी बी है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस है, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे, बी है, तो इसका जो वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस एंगल को कंसीडर करके, इस एंगल एक्स को कंसीडर करके आप मुझे साइन एक्स बताओ, है ना, तो हम कैसे बताएंगे साइन एक्स, ठीक है, कैसे बताएंगे साइन एक्स, हम कैसे बताएंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, कैसे बताएंगे, ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां पे आप देखो साइन एक्स का अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, साइन एक्स का अपोजिट साइड क्या है हमारा, बीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है यहाँ पे, ओबी है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है, ओबी है, सो इज इक्वल टू बीसी का वैल्यू यहाँ पे भी है कितना है, बीसी का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, बी है। और यहाँ पे ये जो ओबी आपको दिख रहा है, ओबी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, वन है, तो आपको यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, हम थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे, आपको क्या बताना चाह रहा हूं या फिर क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि भैया मुझे बताओ इस एंगल एक्स को कंसीडर करके, इस एंगल एक्स को कंसीडर करके अगर मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे भाई हम कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स इज इक्वल, cos x क्या होता है, it is base by hypotenuse or adjacent to side by hypotenuse, ठीक है ना, base by hypotenuse or adjacent to side by hypotenuse, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, है ना, यहां पे आप देखो, अगर मैं cos x की वैल्यू लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा भाई, OC by hypotenuse, hypotenuse मेरा क्या है, OB है, तो OC का वैल्यू कितना है, O से लेकर C का वैल्यू यहां पे कितना है, A है, O से लेकर C का वैल्यू यहां पे मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है वो कितना है, A है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, A मिल जाएगा, और OB कितना है हमारा, OB क्या है यहां पे, 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो cos x है इसका वैल्यू आपको यहां पे क्या मिलेगा, A मिल जाएगा, इसका वैल्यू यहां पे क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। अब भैया अगर यहां पे मेरा कोऑर्डिनेट जो है A है और b है, और मुझे यहां पे a का वैल्यू जो है cos x मिल रहा है और b का वैल्यू sin x मिल रहा है, तो भैया मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू मेरा क्या है, cos x है, ठीक है, a का वैल्यू मेरा क्या है, cos x है, एंड b का वैल्यू मेरा क्या है यहां पे, sin x है, ठीक है, b का वैल्यू मेरा क्या है यहां पे, sin x है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है, मेरा ये जो सब बताने का, रामायण महाभारत बताने का जो मेरा मतलब था, मेरा अर्थ था, वो क्या था कि मुझे आपको ये बताना था कि ये जो पॉइंट मैंने यहां पे ले रखा है, ये जो मैंने पॉइंट यहां पे ले रखा है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो cos x है, x कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा, cos x है ना, a भी मतलब क्या, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है किसका कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका कोऑर्डिनेट होता है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो मैंने कोऑर्डिनेट ab ले रखा था, ठीक है, मैंने जो ये कोऑर्डिनेट ab ले रखा था, इसमें a का जो वैल्यू है cos x आया हुआ है और b का जो वैल्यू है वो sin x आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है मेरा, ये जो cos x है वो क्या है मेरा, x कोऑर्डिनेट है, क्या है, x कोऑर्डिनेट है।
क्या है मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये जो sin x मुझे यहां पे दिख रहा है ये मेरा क्या है यहां पे y कोऑर्डिनेट है। क्या है मेरा y कोऑर्डिनेट, क्या है y कोऑर्डिनेट। अब ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से हमें क्या लेना देना है ना। अब मैं यहां पे बताऊंगा कि इसके ऊपर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है, किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, साइन की, कॉस की एंड टेन की, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि हम इसकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब सबको पता है, ठीक है, हम सबको पता है कि यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है और इस पूरे एक सर्कल का रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई होता है। तो अगर x एक्सिस पे आप स्टार्ट करेंगे तो यहां पे जो आपका एंगल होता है वो क्या होता है, 0 होता है, होता है नहीं होता है, क्या होता है, 0 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि यहां पे अगर आप x एक्सिस से स्टार्ट करोगे तो यहां पे जो मेरा एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाता हूं तो क्या यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या यहां पे एंगल 90 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, पाई बाय 2 कहते हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। तो अगर ये डिग्री में 90 डिग्री है तो रेडियन में ये क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाता हूं तो क्या आपको पता है कि यहां पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, पाई बोल सकते हो, है ना, इसी को आप क्या बोल सकते हो, पाई बोल सकते हो। अगर इस यहां से इस पाई से लेकर मैं यहां तक चला जाऊं, है ना, अगर इस पाई से मैं लेकर यहां तक चला जाऊं तो आपको क्या पता है यहां पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, कितना होता है भैया, 270 डिग्री होता है। क्या होता है, 270 डिग्री होता है, या फिर इसी को आप रेडियन में क्या बोल सकते हो, 3π/2, है ना, क्या बोल सकते हो, 3π/2, ठीक है। और यही अगर हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करें तो यहां पे जो आपको कंप्लीट करने के बाद 1 रिवॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, 2π होता है। क्या होता है, 2π होता है। तो ये बेसिकली सारी चीजें जो है हम सबको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का इसी को बेस बना के ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको एक बात माइंड में क्लिक कर लेनी है कि जो हमारा यहां पे ये जो पॉइंट हमने ले रखा है, इस सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट हमने ले रखा है, कोऑर्डिनेट हमने ले रखा है, उसमें हमारा x कोऑर्डिनेट जो है cos x है, x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है, और y कोऑर्डिनेट जो हमारा क्या है यहां पे, sin x है, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखना चाहूं, किसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखना चाहूं, sin x, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की। तो एंगल्स हम क्या लेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट हमारा जो एंगल होगा क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, 0 होगा, है ना, 0 या फिर 2π, इसी को आप क्या बोल सकते हो, 0 या फिर 2π, है ना, 0 या फिर 2π, ठीक है। देन यहां पे आप देखो, यहां पे जो एंगल है वो हमारा क्या है, 90 डिग्री है, दैट इज पाई बाय 2, है ना, क्या है, पाई बाय 2 है। देन अगर इसी को हम आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है, दैट इज 180 डिग्री, कितना होता है, पाई, दैट इज 180 डिग्री। और इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो हमारा जो अगला एंगल है, नेक्स्ट एंगल है वो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट एंगल जो हमें मिल रहा है वो क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंगल होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, 2π/3, कितना हो जाएगा, सॉरी 3π/2, कितना होना चाहिए, 3π/2। और ये जो 2π आने वाला था मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, ये जो 2π यहाँ पे आने वाला था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, या फिर इसको हम लोग और यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लेते हैं 2π, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये मान लो ये जो मेरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ए बी है, इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, अगर मेरा जो ये पॉइंट ए बी है, कोऑर्डिनेट ए बी है, इस पॉइंट पे आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा, 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर ये मेरा जो पॉइंट है कॉस एक्स साइन एक्स वाला, ठीक है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है कॉस एक्स साइन एक्स, अगर वो एक्स एक्सिस पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो
इस पॉइंट में मैं जब आऊंगा, इस x एक्सिस में जब मैं आऊंगा, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, y कहते हैं ना, y एक्सिस कहते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो मेरा जो cos x है, मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और यहां पे जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जब मैं यहां पे 0 पे रहूंगा, 0 मेरा एंगल रहेगा, तो मेरा sin x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया, अगर आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है, अगर मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट करना चाहो तो एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट a का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। बी का जो वैल्यू जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो अगर ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, तो हमें पता है कि cos x = हमें कितना मिला था, a मिला था, है ना। cos x = क्या था हमारा, a था, और sin x = हमारा क्या था, यहाँ पे 0 था, है ना। sin x = क्या था, b था। तो एट दिस पॉइंट a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, तो cos x = भैया कितना हो जाएगा, 1, और sin x = कितना हो जाएगा, 0। तो sin x = कितना हो जाएगा, 0। तो आप ये बात समझ सकते हो, क्या ये मेरी बात क्लियर है, कि जब ये कोऑर्डिनेट जो है, ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे आ जाएगा, तो x एक्सिस पे आ जाएगा, तो जो हमारा एंगल है वो 0 हो जाएगा, और अगर एंगल 0 हो गया तो उसमें x की वैल्यू, sin x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और cos x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं पाई बाय 2 की तरफ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पाई बाय 2 की तरफ चलते हैं। तो अगर ये पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है मेरा, इस पे आ गया, ठीक है, अगर इस लाइन पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, और इस पॉइंट का एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री, कितना है, पाई बाय 2। तो अगर इस कोऑर्डिनेट पे आ गया ये लाइन, अगर इस कोऑर्डिनेट पे आ गई, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा ना, है ना। वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे कितना है, 1 है। मतलब यहां पे ए का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, और बी का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी का मतलब क्या है, कि जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के ऊपर, मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू भैया यहां पे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। साइन एक्स का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और कॉस का जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कॉस का जो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना। अब यहां से हम इधर आते हैं, ठीक है, यहां से अभी हम लोग इधर बढ़ते हैं। ठीक है, हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था, यहां से ऐसे स्टार्ट किया था। अब यहां से बढ़ते बढ़ते अगर हम इधर आ गए, ठीक है, यहां से बढ़ते बढ़ते अगर हम इधर आ गए, तो यहां पे मेरा एंगल क्या है, पाए है। यहां पे मेरा जो एंगल है वो कितना है, पाए है। और यहां पे पाए में ये किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। और अगेन एक्स एक्सिस में हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और यहां पे जो x कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू कितना है, -1 है। तो जब ये पॉइंट AB, ये कोऑर्डिनेट AB मेरा यहां पे आ जाएगा, है ना, जब ये मेरा कोऑर्डिनेट AB यहां पे आ जाएगा, तो A का वैल्यू कितना होगा, -1 हो जाएगा, B का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे इस पॉइंट पे आपको जो cos x है वो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और sin x जो है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पे sin x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 जाएगा। अगेन अगर हम यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक चले, है ना, मतलब पाए से अगर हम आगे बढ़े, पाए से अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3π/2 मिल जाएगा। और यहां पे आप देख सकते हो यार कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है। ठीक है ना, कितना है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका -y है। तो यहां पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, cos x, वाई कोऑर्डिनेट क्या था, sin x। तो cos x मेरा क्या है, यहां पे 0 है। ठीक है, cos x जो है मेरा यहां पे क्या है, 0 है। और अगर cos x 0 है, और यहां पे जो sin कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मेरा sin x जो है वो क्या, उसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, -1। ठीक है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर मैं यहां से फिर से यहां चले जाऊं, ठीक है, मैं यहां से फिर से 2π पे चले जाऊं, तो यहां पे देखो फिर से जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 10 है। कोऑर्डिनेट जो है क्या है मेरा, 10। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, cos x sin x। तो cos x का वैल्यू कितना होगा, 1, और sin x का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा।
तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, साइन 2 पाई इज 0 एंड cos x आपको कितना मिलेगा यहां पे 1 मिलेगा, cos x आपको यहां पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये बात आपको पता थी, ठीक है, क्या ये बात आपको पता थी कि ऐसा भी होता है या फिर इस तरीके से जो है वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है हमें, थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रख ले तो ये समझना कोई बहुत बड़ी या फिर बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है ना। जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब इंसान ने बनाया हुआ है, इंसान की देन है, तो जो समझने वाले हैं ना वो भी इंसान ही है, हम भी इंसान है, जिन्होंने बनाया वो भी इंसान है, जो समझ रहे वो भी इंसान है, जो पढ़ा रहा है वो भी इंसान है, मैं कोई शैतान तो हूं नहीं, है ना। तो क्या होता है ना, हमको थोड़ा सा पेशेंस लगा के, पेशेंस रख के बैठना होता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखे तो ये पूरी बात जो है वो आपके क्लियर हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है, क्या हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो निकाल ली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, साइन एक्स साइन पाई बाई टू कितना होता है, वन होता है, साइन पाई कितना होता है हमारा जीरो होता है, साइन थ्री पाई बाई टू हमारा माइनस वन होता है, एंड साइन टू पाई जो है हमारा जीरो होता है, कॉस जीरो जो हमारा वन होता है, कॉस पाई बाई टू हमारा जीरो होता है, कॉस पाई हमारा माइनस वन होता है, और कॉस थ्री पाई बाई टू हमारा कितना है जीरो है, एंड कॉस टू पाई जो हमारा कितना है यहाँ पे वन है। तो इस तरीके से जो है आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकाल सकते हो, चलो, ठीक है ना। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इस सर्कल के ऊपर से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस हम नोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फिर से जो है एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर रखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, ठीक है। यूनिट सर्कल हम सबको पता है क्या होता है, विच इज सेंटर एट द ओरिजिन एंड हैज द रेडियस इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है भैया ये क्या है, क्या है, दिस इज 1, 0, ठीक है, ये क्या होता है भाई 0, 1, और ये क्या होता है भाई साहब 0, -1, क्या होता है 0, -1, ये ओरिजिन होता है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, और अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो एंगल है वो आपका एक्स है, ठीक है, ये जो एंगल है आपका एक्स है, और अगर आप यही से, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक पूरा रिवोल्यूशन करके आए, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक पूरा रिवोल्यूशन करके आए कहाँ तक, फिर से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब आप आ रहे हो, ठीक है, यहाँ से जब आप घूम रहे हो यहाँ तक, तो भैया यहाँ पे मेरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है ना। यहाँ पे कितना होता है भैया, पाई बाई टू होता है, यहाँ पे कितना होता है, पाई होता है, यहाँ पे कितना होता है, थ्री पाई बाई टू होता है, कितना होता है, थ्री पाई बाई टू होता है, और जब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं तो क्या आता है, टू पाई आता है ना, क्या आता है, टू पाई आता है। तो जब हम यहां से घूम के, ठीक है, जब हम यहां से घूम के फिर से यहां तक आएंगे, ठीक है, फिर से यहां तक आएंगे, तो यहां तक तो मेरा हो जाएगा 2π, है ना, यहां तक जो वन रिवोल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 2π, और 2π में अगर मैं x ऐड कर दूं, है ना, 2π में अगर मैं यहां तक चले जाऊं तो ये जो एंगल है वो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, फिर से सुनो, ठीक है, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मैं यहां से घूम के यहां तक जाऊं तो मेरा जो एंगल है, टोटल रिवोल्यूशन है, वो कितना हो जाएगा, रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा यहां पे, 2π हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, और इस 2π के ऊपर मैं यहां तक चले जाऊं, है ना, इस 2π के ऊपर अगर मैं यहां तक चले जाऊं तो यहां पे x है, एंगल कितना है, x है, तो 2π में मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा जो टोटल एंगल है भैया वो कितना हो जाएगा, 2π + x, कितना हो जाएगा, 2π + x, यहां से लेकर यहां तक जाने तक टोटल एंगल जो मैं कवर करूंगा, जितना रोटेशन मैं करूंगा, वो क्या हो जाएगा, 2π x हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप बताओ, है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो आप बताओ, तो आप कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ कैसे लिखेंगे, हमने अभी इसके पहले प्रीवियस इसमें देखा था कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है अगर हमारा एंगल एक्स है, और हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन एक्स होता है अगर हमारा एंगल क्या है, अगर हमारा एंगल क्या है, x है। अब यहां पे देखो, जब मैं यहां से पूरा घूम के यहां तक आ रहा हूं तो मेरा एंगल जो है वो कितना हो गया भाई, 2π x हो गया, है ना, कितना हो गया, 2π + x हो गया। तो यहां पे जो मेरा कोऑर्डिनेट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 2π + x, क्या मिलेगा, cos ऑफ 2π + x, और यहां पे क्या मिलेगा, sin ऑफ 2π + x, क्या मिलेगा, sin ऑफ 2π + x, ठीक है ना, क्या मिलेगा, sin ऑफ 2π + x, ठीक है। अब यहां पे देखो जी, जो हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ ये क्या है, रेडियस है,
किसका रेडियस है, यूनिट सर्कल का रेडियस है, कितना रेडियस है इसका, वन, कितना हो जाएगा रेडियस, कितना हो जाएगा वन। और अगर आप इस यूनिट सर्कल को रेडियस ड्रॉ करो तो यहाँ पे हमने इसके प्रीवियस वाले इसमें देखा था, प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉसेक्स बनेगा, ठीक है, कॉसेक्स कॉमा साइन एक्स, क्या बनेगा, कॉसेक्स कॉमा साइन एक्स। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब समझो कि अगर आप सिर्फ एंगल x कंसीडर करते हो या फिर आप एंगल cos 2 पाई प्लस x कंसीडर करते हो तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो सेम होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो है वो तब क्या क्या होता है, सेम होता है। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं कि जब हम, ठीक है, जब हम क्या करेंगे 2π को क्रॉस कर जाएंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे 2π को क्रॉस कर जाएंगे तो वैल्यूज जो है ना वो खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, जो वैल्यूज है वो क्या कर देती है, खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। तब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जब हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो जो वैल्यूज है आफ्टर 2π वो क्या करेगी, खुद को रिपीट करना चालू कर देती है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, ठीक है, अगर हम देखो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे एक रिवोल्यूशन और कर दे, ठीक है, एक और रिवोल्यूशन हम यहां से इस तरीके से कर दे तो यहां पे देखो अभी क्या हो जाएगा हमारा एंगल, ठीक है, देखो यहां तक तो जो था वो मेरा 2π था, है ना, यहां तक मेरा कितना था 2π था। अब जब मैं यहां पे फिर से एक और रिवोल्यूशन करूंगा तो यहां पे भैया कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। मतलब मैंने दो रिवोल्यूशन यहाँ पे लगा लिए, जब मैंने एक रिवोल्यूशन लगा तो वो कितना हो गया था 2π का, जब मैं दूसरा रिवोल्यूशन लगाऊंगा दूसरी बार घूमूंगा, है ना, जब मैं एक बार घूमा तो मेरा कंप्लीट घूमा जो घूमने का जो रोटेशन था, ठीक है, घूमने का जो रोटेशन था वो कितना था 2π था। और अगर मैं फिर से यहाँ पे इसको कंप्लीट घूम जाऊं तो यहाँ पे आने के बाद मेरा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा भाई 2π हो जाएगा, और 2π और यहाँ पे 2π के ऊपर हम यहाँ तक जाते हैं तो ये कितना है x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos of 4π plus x कॉमा, ठीक है, cos of 4π plus x कॉमा क्या हो जाएगा sin of, ठीक है, sin of 4π plus x, ठीक है, sin of 4π plus x। कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पे कितने भी बार घूम लो, है ना, यहां पे आप कितने भी बार घूम लो बट जब आप 2π को क्रॉस कर जाएंगे, जब आप 2π को क्रॉस कर जाएंगे तो ये जो वैल्यूज है वो आपको रिपीट करना चालू कर देंगे, ठीक है, ये जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, रिपीट करना चालू हो जाएगी। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो, जब हमने यहां पे sin x is equals to 0 लिया था तो मुझे 0 मिला, ठीक है, और जब हमने sin का वैल्यू 2π पे देखा तो फिर से मुझे क्या मिला, 0 मिला, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से देखो cos का, cos जब हमने 0 लिया तो हमें कितना मिला 1, और जब मैं पूरा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके आया, 1 मैं पूरा घूम के आया एक सर्कल, तो मुझे जो 2π पे वाले cos का वैल्यू मिला वो कितना मिला, 1 मिला। तो इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम एक बार 2π को क्रॉस कर दे, है ना, एक बार जब हम 2π को क्रॉस कर दे और कितने भी बार घूमे, कितने भी बार रिवोल्यूशन करे, आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट होना यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे आप जैसे देख सकते हो कि cos of 4π plus x भी हमारा क्या होगा, cos x ही होगा, and sin of 4π plus x भी हमारा क्या होगा, sin x ही होगा। क्यों कहा sin x होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले हमने इसमें देखा था कि ये जो पॉइंट है इसका जो मेरा कोऑर्डिनेट था वो क्या था, cos x और sin x था, है ना, क्या था, cos x और sin x था। जब मैं यहां से फिर से घुमा और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया 2π पे तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, cos of 2π plus x sin of 2π plus, बट पोजीशन मेरा चेंज हुआ है क्या, इस कोऑर्डिनेट का पोजीशन आपका चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों वैल्यूज है वो कैसी है, इक्वल है, है ना, ये तीनों वैल्यूज हमारी जो कैसी है, यहां पे इक्वल है। तो यहां पे आप कैसे नोट कर सकते हो, इसी का मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया कि cos of 4π plus x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos of 2π plus x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, यहां पे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, cos x, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x। और इसी के ऊपर से दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, sin of, ठीक है, sin of क्या हो जाएगा, 4π plus x इज इक्वल्स टू sin of, ठीक है, sin of 2π plus x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो भैया कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे जब 2π कंप्लीट कर लोगे, है ना, जब आपका एक 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लोगे और जब आप फिर से घूमोगे तो जितने भी बार आप रिवोल्यूशन कंप्लीट करोगे वैल्यू जो है वो क्या करती चलेगी, खुद को रिपीट करती चलेगी, क्या करती चलेगी, खुद को रिपीट करती चलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप मल्टीपल ऑफ पाई करेंगे, है ना,
ना, जब आप मल्टीपल ऑफ पाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम वैल्यू रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम वैल्यू रिटर्न मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैंने एक बार रिवोल्यूशन किया तो 2 पाई आया, मैंने दो बार रिवोल्यूशन किया तो मुझे 4 पाई आया। मान लो अगर मैं तीन बार रिवोल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा, 6 पाई आएगा। मान लो अगर मैं 4 पाई करूंगा तो कितना आएगा, 8 पाई आ जाएगा। मान लो अगर मैं 5 बार करूंगा रिवोल्यूशन, 5 बार घूमूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 10 पाई मिलेगा। और वैसे ही अगर मैं एक और बार घूम जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 12 पाई मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब आपने cos ऑफ 4 पाई प्लस x किया तो आपको cos x मिल गया, cos ऑफ 2 पाई x भी आपने किया तो भी आपको cos x मिला, जब आपने sin ऑफ 4 पाई x किया तो भी आपको sin x मिला, और जब आपने sin ऑफ 2 पाई प्लस x किया तो भी आपको क्या मिला, sin x मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल ऑफ पाई जो है उसको जीरो ले सकते हो, है ना। इसको क्या ले सकते हो आप, मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीरो, है ना। मल्टीपल ऑफ पाई जो है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना, 2n पाई, ठीक है, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस x, ठीक है, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस x, एंड साइन ऑफ 2n पाई प्लस x, ठीक है, साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन x। तो भैया यहाँ पे n जो है ना, n बिलोंग्स टू आपका क्या है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आप n की जगह पे 1 पुट कर दो, ठीक है, n की जगह पे आप 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस x आपको cos x मिलेगा। और उसी तरीके से आप n की अदर वैल्यूज पुट करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, cos x ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हियर, ठीक है, हियर वी कैन, ठीक है, जैसे आप देखो, अगर जैसे मान लो कि मैंने अगर यहाँ पे साइन ऑफ 10 पाई प्लस x लिया हुआ है ना, 10 पाई प्लस x लिया हुआ है, दैट इज वॉट मल्टीपल ऑफ 2 पाई है ना, इट इज वॉट मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो गया। सो अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x हम क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो मल्टीपल ऑफ पाई है उसको हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। मल्टीपल ऑफ पाई क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंसिडर, वी कैन कंसिडर मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई, वी कैन कंसिडर मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज जीरो, ठीक है, वी कैन कंसिडर मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज अ जीरो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज जो हमें मिले हैं ये हमें यहाँ पे नोट करने हैं। कौन से फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे मिले हैं कि cos ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, एंड sin ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूलेज है वो हमें यहाँ पे नोट कर लेने, आप प्रॉपरली नोट कर लो।